हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं कि EWS DG एडमिशन का आपने फॉर्म भर लिया है और अगर नहीं भरा है तो देखिए जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि 6 मार्च 2023 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, बहुत ही उत्सुक हैं कि कब लकी ड्रॉ निकलेगा। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि DOE ने पहले जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें जो लकी ड्रॉ की डेट थी वो 3 मार्च को थी, लेकिन दोबारा से उन्होंने सर्कुलर जारी करके डेट को एक्सटेंड किया था। और इसके रिगार्डिंग मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, बनाई भी है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन तक वो वीडियो नहीं पहुंची है। तो देखिए, अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है। प्लीज़ आप पहले ये दो काम कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म किसी भी स्कूल में भरना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, देखिए बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ इस फॉर्म को भरने को लेकर, और आप तक वो जानकारी सही समय पे पहुँचे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिए ताकि आप तक सही जानकारी और समय पर पहुँचे। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि जो लकी ड्रॉ की डेट है वो कब रखी है DOE ने। तो देखिए, 14 मार्च 2023 जो डेट है वो है लकी ड्रॉ निकलने का। और देखिए, वैसे तो टाइमिंग सुबह का होता है, बट सुबह लकी ड्रॉ नहीं निकल पाता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है 10 बजे के बाद ही प्रोसेस में होते हैं, वहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो प्रोसेस में लाते लाते इवनिंग तक जो लकी ड्रॉ है वो निकल पाता है। लास्ट ईयर भी इवनिंग तक ही निकला था, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो लकी ड्रॉ का प्रोसेस है वो दिखाना शुरू कर जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, मैं आपको तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो 14 मार्च 2023 लकी ड्रॉ, जिस दिन आपके बच्चे का भविष्य जो है वो निर्धारित होगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी है जो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।